महिला सशक्तिकरण हमेशा हमारा प्राथमिकता का विषय रहा है और हमारा ध्येय रहता है कि हम इस और में जो भी संभव हो वो करें। और उसी दिशा के तहत जो पश्चिम रेलवे का ये माटुंगा रोड स्टेशन सबर्बन में पहला स्टेशन होगा, जो कि सभी महिलाओं इसका जिम्मा संभालेंगी और सभी महिलाओं की पोस्टिंग कर दी गई है। लगभग 31 के आसपास हमारा स्टाफ है और जो स्टेशन मास्टर हैं वो 3 शिफ्ट में महिलाएं इसमें काम करेंगी। बाकी जो कमर्शियल का स्टाफ है, सिक्योरिटी का स्टाफ है, क्लीनिंग का स्टाफ है या बाकी और जिन भी विभागों का स्टाफ है, उन सब ने यहाँ ज्वाइन कर लिया और 8 मार्च से पूरी तरीके से ये जिम्मा उनको दे दिया जाएगा। निश्चित रूप से उनमें भी काफ़ी उत्साह है महिलाओं को, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी है। मुंबई सबर्बन का एक महत्वपूर्ण स्टेशन है माटुंगा रोड स्टेशन, तो सभी लोग काफ़ी उत्साहित हैं। वो अपना बेस्ट जो है वो डिलीवर करना चाहते हैं और हम आगे भी हमारी ये कोशिश रहेगी कि और जो पश्चिम रेलवे के और जो अन्य स्टेशन हैं उनमें भी हम इस तरीके का प्रयोग करें। और निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण हमेशा हमारा प्राथमिक विषय रहेगा और हम आने वाले भविष्य में भी इस दिशा में जो भी जरूरी कदम होंगे वो उठाएंगे। सर, एक चीज और है सुरक्षा को लेकर, आरपीएफ के और जीआरपी के साथ कितनी मुश्किलें आई आपको, क्योंकि वहाँ से लेडीज पुलिस को रिक्रूट करना सारी चीज कितनी मुश्किल आई आपको? देखिए, सबसे पहला काम होता है कि जिन स्टाफ को आप वहाँ पोस्ट करना चाहते हो उनको एक आपको कन्विंस करना पड़ता है, उनको इसकी महत्ता समझानी पड़ती है। एक बार अगर व्यक्ति कोई भी हो, महिला हो पुरुष हो, उसको अगर उसकी इम्पोर्टेंस समझ में आ जाती है, और निश्चित तौर पे हमने जिन भी महिलाओं से बात की उन्होंने बिना किसी शर्त के बड़ी खुशी से अपनी इच्छा जाहिर की ऐसे स्टेशन्स में काम करने की। और एक ये जब पूरी टीम बनी तो उस टीम में जो उत्साह था वो वास्तव में देखने लायक था। और क्योंकि ये पूरी जिम्मेदारी महिलाओं के नाम रहेगी तो वो भी चाहती हैं कि हम कुछ ऐसा करके दिखाएं कि इस तरह के जो प्रयोग हों वो और ज़्यादा से ज़्यादा स्टेशनों में किए जाएं। महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। मुंबई के माटुंगा रोड स्टेशन की अगर हम बात करें तो अब महिलाओं के हवाले होगा माटुंगा रेलवे स्टेशन, जहां पर महिला कर्मचारी पूरी तरीके से कार्यरत होंगी। वो हर डिपार्टमेंट की जो देख रेख होगी वो अब महिलाओं के जिम्मे होगी। माटुंगा रेलवे स्टेशन पूरी तरीके से अब महिला सशक्तिकरण का जीता जागता स्वरूप देखने को मिलेगा। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर अभी अभी चार्ज ली हैं संध्या वर्मा जी, जो स्टेशन अधीक्षक के रूप में चार्ज ली हैं। मैम, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे संध्या जी कि स्टेशन अब महिलाओं के हवाले है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, रेलवे की तरफ से एक अच्छा कदम है कि सारी महिलाओं को एक स्टेशन दे दिया है। तो मतलब हम और एक तो हमारा डिपार्टमेंट जो जैसे ट्रैफिक डिपार्टमेंट वाले हम हैं, स्टेशन मास्टर स्टेशन अधीक्षक हैं। शुरू शुरू में जब ये हुआ था कि मेल ओनली मेल्स कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट ऐसा था, उसके बाद हम जब नए आए थे तो नए हमको अपॉर्चुनिटी मिली थी, तो मतलब एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे शुरू किया था कि इनको मौका दिया जाए कि ये भी कर पा रहे हैं या नहीं। फिर धीरे धीरे ऐसे खुलने काफ़ी लोग आ गए इसमें, और फिर हमारे लिए भी इतना मुश्किल नहीं है, मतलब जो काम वो कर पा रहे हैं हम भी कर पा रहे हैं। आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं, पुरुषों के बराबर काम कर रही हैं, ऐसे में कितना चुनौती होगी माटुंगा स्टेशन पर सिर्फ महिला स्टाफ को लेकर काम करना? नहीं, चुनौती की कोई बात नहीं है, यहाँ पे हम मिलके सब काम करेंगे। मतलब हाँ, चुनौती है, जो भी है हम उसको स्वीकार करेंगे और हम अपना खुद जो भी प्रयास है वो पूरा करेंगे कि अच्छे से अच्छा हम स्टेशन को हम उसमें काम कर पाएँ, लोगों को हमारे स्टाफ को साथ में मिलके हम पूरा अच्छा काम करें। सुरक्षा को लेकर किस तरह से देखती हैं महिला स्टाफ को लेकर, सुरक्षा को स्टेशन पर किस तरह से देखती हैं? सुरक्षा का एक मैटर है, लेकिन उसके लिए भी सुरक्षा कर्मचारी भी होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, महिला सुरक्षा कर्मचारी होंगी उसके लिए तो इतना कोई बड़ा इशू नहीं होगा मेरे ख्याल से। आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगी श्वेता जी? जो भी है, पश्चिम रेलवे ने जो कदम उठाया है उसके लिए हम आभारी है कि महिलाओं को आगे जाने के लिए बहुत प्रोत्साहन मिलेगा इस बात से। बहुत प्रोत्साहन मिलेगा, लेकिन जब आपने सुना होगा कि आपकी पोस्टिंग जो है माटुंगा स्टेशन पे हो रही जहां सिर्फ महिला स्टाफ रहेंगी, तो थोड़ा सा मन में हिचक जरूर हो रहा होगा सुरक्षा को लेकर? नहीं नहीं, सुरक्षा के मामले में हमारी रेलवे हमें बहुत सुरक्षा देती है। मैं भी अभी तीनों शिफ्ट में ड्यूटी करती हूँ, मॉर्निंग इवनिंग नाइट, इसलिए सतर्क रहते ही है कि सुरक्षा हमारे लिए हुए करके। टोटल कितने स्टाफ हैं मैडम यहाँ पर? टोटल अभी स्टेशन मास्टर कैटेगरी हम 4 लोग हैं, अभी 3 फिलहाल हैं, एक नाइट शिफ्ट में है, और पॉइंट्समैन में है टोटल 7 महिलाएं हैं,
बुकिंग ऑफिस में अभी 7 हैं और बाकी हैं आनी, टोटल 14 का कैडर है वहाँ कमर्शियल में बुकिंग में। महिला सुरक्षा दिवस, महिला दिवस पर क्या संदेश देना चाहेंगे जी महिला? संदेश तो यही कि एक्चुअल में कोई भी काम ये नहीं कि ये हम नहीं कर पाएंगे या कर पाएंगे, कोई भी काम हम प्रयास करें, कोशिश करें, हर संभव, मतलब हर काम संभव है। तो यही है कि ऐसे ना सोचें कि हम नहीं कर पाएं, तो हर काम उनके लिए मुमकिन है। बिल्कुल मुमकिन है, आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं। मैडम आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगी महिला दिवस के पहले आप लोगों को इस तरह से अपॉर्चुनिटी मिली है कि एक स्टेशन महिलाओं के नाम हो गया है? हमें तो बहुत खुशी हुई है कि रेलवे ने हमारे लिए कुछ सोचा है, इस बात से हमें बहुत ही बहुत खुशी हुई है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा महिला हमसे जुड़े। क्या संदेश देना चाहेंगी महिला दिवस पर? महिलाओं से मैं यही कहना चाहूँगी कि हम तो किसी से कम नहीं है, हम चाहे तो कर सकते हैं। बिल्कुल हम किसी से कम नहीं है। महिलाओं की अगर हम बात करें तो महिला आज हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। और जिस तरह से माटुंगा रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करें तो अब माटुंगा रेलवे स्टेशन जो है वो महिलाओं के जिम्मे सौंपा गया है। यहाँ पर टोटल 31 स्टाफ जो है यहाँ पर पदभार संभालेंगी, चाहे वो सुरक्षा की बात करें या स्टेशन मास्टर की बात करें, बुकिंग क्लर्क की बात करें, तो ये तमाम जो है पोस्ट जो है अब यहाँ पर महिलाएँ काम करेंगी। और महिलाओं के जिम्मे अब माटुंगा स्टेशन छोड़ दिया गया है। माटुंगा स्टेशन की देखरेख अब महिलाएं करेंगी। पश्चिम रेलवे का पहला ऐसा स्टेशन होगा जहां पर टोटल स्टाफ जो है महिलाएं होंगी और महिलाएं बढ़ चढ़ कर काम करेंगी। जैसे कि यहां की जो स्टेशन अधीक्षिका हैं उन्होंने साफ तौर से कहा कि हमें हर चुनौती मंजूर है और हम स्टेशन को पूरी तरीके से क्लीन रखने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन शमशाद के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।